हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा गेम किस ओलंपिक में कौन सी ईयर में शामिल हुआ और उसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो स्पोर्ट है, गेम का नाम है, वो है आर्चरी। आर्चरी किस ओलंपिक में शामिल हुआ, ये आपका मेल में हो जाएगा 1900 में और फीमेल 1900 दोनों में। और गवर्निंग बॉडी क्या है इसकी, WA यानी वर्ल्ड आर्चरी। नेक्स्ट है आपका एथलेटिक्स, ये कब शामिल हो ओलंपिक में, 1896 मेल में और फीमेल में आपका 1900 में। और इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है, IAAF। IAAF मींस इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। ये पहले हुआ करता था और अब इसका नाम बदल कर दिया गया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन, बैडमिंटन आपका 1992 मेल और फीमेल दोनों में शामिल किया गया था। BWF यानी इसका जो गवर्निंग बॉडी है आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। नेक्स्ट है आपका साइकिलिंग, साइकिलिंग 1896 यानी पुरुष और महिला का दोनों का एक साथ ही ये ओलंपिक शामिल हुआ था। और UCI इसका जो गवर्निंग बॉडी है, UCI मतलब यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल। नेक्स्ट है आपका हॉकी, ये हॉकी कब शामिल हुआ, ये हॉकी शामिल हुआ आपका 1908 में, ये पुरुष वर्ग में, पुरुष वर्ग का 1908 में और महिला वर्ग का 1980। FIH इसका जो गवर्निंग बॉडी है, इसका है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। नेक्स्ट है आपका फुटबॉल, फुटबॉल कब शामिल किया गया ओलंपिक में, मेल अगर हम पुरुष की बात करें तो ये सन है इनका 1900 और महिला की बात करें तो 1996। इसका जो गवर्निंग बॉडी है वो है फीफा, इसका जो फुल फॉर्म है फीफा का है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट मैं आपका हैंडबॉल, हैंडबॉल शामिल किया गया आपका 1936 पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में 1976। इसका जो गवर्निंग बॉडी है वो है IHF, इट मींस इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट है आपका जूडो, जूडो शामिल किया गया पुरुष वर्ग में 1964 में, महिला वर्ग में 1992। और जो गवर्निंग बॉडी है आपका IJF यानी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। नेक्स्ट है आपका स्विमिंग, स्विमिंग को मेल वर्ग में शामिल किया गया 1896 में और फीमेल वर्ग में 1912। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है फीना, और इसका जो फुल फॉर्म है फीना का आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी, एक मिनट, इसका जो फुल फॉर्म है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। नेक्स्ट आपका टेबल टेनिस, टेबल टेनिस शामिल किया गया पुरुष वर्ग में 1988 और महिला वर्ग में भी 1988 में। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और टेबल टेनिस का अगर हम इंडिया की बात करें तो वो है इसका TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट आपका टेनिस, टेनिस शामिल किया गया पुरुष वर्ग में ओलंपिक में 1896 में और महिला वर्ग में 1900 में। इसका जो गवर्निंग बॉडी है आपका ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। नेक्स्ट है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल महिला पुरुष को एक साथ ही शामिल किया गया था। इसका जो ईयर है आपका 1964, जो गवर्निंग बॉडी है वो है फीबा यानी FIBB। इसका जो फुल फॉर्म है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। नेक्स्ट है आपका रेसलिंग, रेसलिंग को कब शामिल किया गया, ये है 1896 मेल वर्ग में और फीमेल वर्ग में 2004। UWW इसका जो फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। नेक्स्ट आपका ताइक्वांडो, ताइक्वांडो को शामिल किया गया 2000 दोनों में, मेल फीमेल दोनों वर्ग में। इसका जो गवर्निंग बॉडी है WTF यानी वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन। नेक्स्ट आपका वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग शामिल किया गया मेल वर्ग में 1896 और फीमेल वर्ग में 2000 में। इसका जो गवर्निंग बॉडी होगा आपका IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन।
नेक्स्ट है आपका वाटर पोलो। वाटर पोलो को मेल वर्ग में 1900 में शामिल किया गया और 19 और फीमेल में 1904। इसका भी जो गवर्निंग बॉडी हो फीना, क्योंकि ये स्विमिंग मतलब वाटर वाले गेम से रिलेटेड है, तो इसका भी सेम हो जाएगा जैसे स्विमिंग का तार फीना। इसका भी जो गवर्निंग बॉडी है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों हम बास्केटबॉल का भूल गए थे, अच्छा मतलब छूट गया था, तो उसको कवर करते हैं। उन बास्केटबॉल को शामिल किया गया था 1936 और 1976 ओलंपिक में, यानी मेल वर्ग में 1936 में और फीमेल वर्ग में 1976 में। और इसका जो गवर्निंग बॉडी है फीबा FIBA, और इसका जो फुल फॉर्म है फीबा का फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो यहाँ पर दोस्तों ये कवर हो जाता है आपका, हो सकता है इसमें से एक या दो मार्क्स आ जाए कौन सा गेम किस ओलंपिक में शामिल हुआ। और अगर दोस्तों अगर हमारे चैनल पर अभी आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।